हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सीनियर जारा फिजिक्स। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इन दोनों के बीच में हमने रिलेशन देखा था। अब आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, उसी को जनरलाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस आई होप आपको याद होंगे, क्या आए थे? एक तो म्यूअल वैक्टर इक्वल्स टू माइनस जी एल, ओके, ई बाय टू एम एल वैक्टर। यहाँ पर जी एल जो है वो ऑर्बिटल मोशन के लिए लैंडेज इफेक्टर है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? वन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम क्वांटम मैकेनिकली एल वेक्टर की जो वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड, उसको क्या लिखते हैं? अंडर रूट ऑफ एल एल प्लस वन एच प्लस, और म्यू बी बोर मैग्नीट्यूड की टर्म्स में जब इसको एक्सप्रेस करते हैं तो रिजल्ट क्या निकल के आता है कि म्यू एल इक्वल्स टू म्यू बी अंडर रूट ऑफ एल एल प्लस वन। ये पूरी चीज़ें किसके लिए हैं? ऑर्बिटल के लिए, राइट। अब अगर हम इसको जनरलाइज करके स्पिन के लिए निकालते हैं तो सिंपली वे में लिख दो, फॉर स्पिन क्या हो जाएगा? म्यू एस वैक्टर इज इक्वल टू माइनस जी एस ई डिवाइडेड बाय टू एम एस वैक्टर। इसी की सिमिलर फॉर्म में हमने ये चीज़ लिख दी है, राइट। उसके बाद में देखो, जब हम प्योर स्पिन मोशन की बात करते हैं तो फॉर प्योर स्पिन मोशन जी एस की वैल्यू जो है ना वो कितनी है? टू है, ठीक है। तो इसलिए अगर हम मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं इसका, तो म्यू एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना निकल के आएगा? हमारे पास में जी एस की वैल्यू है टू, माइनस को हम लोग कंसिडर करेंगे नहीं, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो इस टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो ई बाय एम और एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। तो ई बाय एम एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब एस वेक्टर जो है, जैसे हमने ऑर्बिटल के लिए किया था वैसे ही लिखेंगे कि जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो भी कैसा होता है? क्वांटाइज होता है, राइट। और कैसे दिया जाएगा? अंडर रूट ऑफ एस एस प्लस वन एच क्रॉस, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए बोलते हैं तो स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है उसके लिए वो कितना होगा? हाफ होगा, सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ से एस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकाल लें, कितना होगा? अंडर रूट ऑफ हाफ ऑफ हाफ प्लस वन कितना होगा? थ्री बाय टू, फिर एच क्रॉस, यानी ये कितना निकल के आएगा? अंडर रूट ऑफ थ्री डिवाइडेड बाय टू एच क्रॉस, ठीक है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम यहाँ पर म्यू एस की वैल्यू निकालना चाहते हैं ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड तो कितना हो जाएगा? ई बाय एम तो पहले से ही है, और अंडर रूट ऑफ थ्री बाय टू एच क्रॉस, तो ई एच क्रॉस डिवाइडेड बाय एम, राइट। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ कि जो ई एच क्रॉस डिवाइडेड बाय टू एम है इसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है? म्यू बी, ठीक है ना। तो म्यू एस कितना निकल के आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ थ्री म्यू बी। इस चीज़ को भी याद कर लो, एक फॉर्मूला ये इसके जनरलाइजेशन जो निकला है। उसके बाद में हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालते हुए चलते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो म्यू एस जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट उसकी वैल्यू कितनी आती है? अंडर रूट ऑफ थ्री म्यू बी। म्यू बी क्या है? बोर मैग्नेट्रॉन, इसकी वैल्यू आई थिंक अब आपको याद होगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने उसमें क्वांटाइजेशन किया था ना, स्पेस क्वांटाइजेशन, वैसे ही हम इसके अंदर भी स्पेस क्वांटाइजेशन को स्टडी करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। सेम वही थ्योरी है जैसे पहले थी, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एस वेक्टर है, इस डायरेक्शन में हमको इसका कंपोनेंट चाहिए, ये जेड डायरेक्शन है, कंपोनेंट एस जेड होगा, मान लेते हैं थीटा एंगल बन रहा है एस यूजल, ठीक है। तो जो जेड कंपोनेंट है स्पिन का एस जेड, वो कितना लिख सकते हैं हम? एस कोस थीटा। कोस थीटा क्या हो जाएगा? अगर किसी ने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है ना तो पहले उसको देखना फिर इसको देखना, ठीक है, तभी ये चीज़ वापस पूरी होगी। वैसे तो सिंपल कैलकुलेशन है और आपको ओनली रिजल्ट्स वगैरह ध्यान होने चाहिए, लेकिन बेसिक्स पता होने चाहिए कि चीज़ें हो कैसे रही है ना। जब आप लोग वापस सारा रिवाइज करोगे तो आपको सीधा ये देखना है, बात खत्म, ठीक है। कोस थीटा क्या होगा? यहाँ से देखो, एस जेड डिवाइडेड बाई एस। अब क्वांटम मैकेनिकली एस जेड क्या होता है? एम एस एच क्रॉस होता है। एस क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एस एस प्लस वन एच क्रॉस होता है, ये दोनों कैंसिल, राइट। तो कोस थीटा कितना निकल के आता है यहाँ से? एम एस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एस एस प्लस वन, ठीक है। अब देखो, अगर हमको दे रखा है कि एस की वैल्यू जो है ना वो हाफ है, ठीक है, इसका मतलब एम एस क्या हो सकता है?
प्लस हाफ और माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ, ठीक है। तो अगर एम एस की वैल्यू जो है वो हाफ है और अगर एम एस की वैल्यू जो है वो माइनस हाफ है, ठीक है ना। तो प्लस हाफ के लिए कोस थीटा कितना हो जाएगा, हाफ डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3/2। वैल्यूज पुट करके निकाल लेना, तो यहाँ से थीटा जो है ना वो कितना निकल के आता है, कोस इनवर्स ऑफ 1/√3। इसे कैलकुलेट करोगे तो ये कितना होता है, 54.7 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग ये एम एस इक्वल्स टू माइनस हाफ के लिए देखते हैं, तो माइनस हाफ के लिए कोस थीटा कितना निकल के आएगा हमारे पास में, एम एस की वैल्यू माइनस है तो -1/2, फिर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एस एस प्लस वन, तो वही अंडर रूट ऑफ 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ -1/√3। नेगेटिव साइन आ रहा है तो क्वाड्रेंट चेंज, तो 125.3 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि एस की वैल्यू हाफ हो तो जो एस और इसके बीच का एंगल है वो कितना हो सकता है, तो इस तरीके से हम दे सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर मान लो आप लोग इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो ना, तो यहाँ पर कर दूँ मैं, ध्यान रख लेना अगर आप लोग नोट्स बनाओ तो, देखते देखते बनाओ तो, कि किसके नीचे क्या लिखना है, ठीक है ना। देखो ये वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जेड एक्सिस से, ठीक है। यहाँ से हम लोग ले रहे हैं तो ये तो एम एस इक्वल्स टू हाफ के लिए, तो ये एंगल यहाँ से कितना हो गया, 54.7 डिग्री, ठीक है। इस साइड के अंदर फिर आ जाएगा एम एस इक्वल्स टू माइनस हाफ के लिए, तो वो जो चीज़ है ना वो यहाँ से कितनी है, एंगल कितना निकल के आया, 125.3 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से इसका मोशन हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड टोटल एंगुलर मोमेंटम, देखो हमने ऑर्बिटल का पढ़ लिया, हमने स्पिन का पढ़ लिया, राइट। अब हम लोग टोटल की बात करते हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं करना है, जैसे जो पहले वाला है ना उसी को जनरलाइज करना है। ओके, तो पहले वाले टॉपिक के अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं कि म्यू जे जो है वैक्टर वो कितना होगा, माइनस जी जे ई बाय 2m जे वैक्टर, ठीक है। फॉर्मूला तो याद ही होगा अब तो आपको। इसके बाद जब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं, तो मैग्नीट्यूड जो है वो म्यू जे का वो क्या हो जाएगा, जे जे ई बाय 2m, और जे वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ जे जे प्लस 1 एच क्रॉस, राइट। तो यहाँ से अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि म्यू जे को लिख सकते हैं जी जे ई एच क्रॉस बाय 2m, क्या होता है म्यू भी होता है ना, तो म्यू बी अंडर रूट ऑफ जे जे प्लस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। यहाँ पर जो जी जे की वैल्यू है वो 5 5 नंबर में भी आ जाती है कभी, ठीक है। मतलब कितनी छोटी चीज 5 नंबर में आ जाती है, क्वेश्चन तो बड़े ही आते हैं इसे सीधे। तो जी जे कितना होगा, 1 प्लस जे जे प्लस 1 प्लस एस एस प्लस 1 माइनस का एल एल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 जे जे प्लस 1, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जीजे की वैल्यू काफ़ी क्वेश्चंस के अंदर हमने को निकालने पड़ती है, तभी आगे की चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपके आपके कोई क्वेश्चन दे रखा है, उसके डेटा के अंदर से आपको जीजे निकालना है, फिर उससे आपको म्यूजी की वैल्यू निकालनी है, उस केस में भी आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल याद कर लेना म्यूजी का फॉर्मूला क्या होता है और जीजे का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। ये चीज़ तो हम लोग जो पहला ऑर्बिटल का किया है ना, उसी से स्पिन और स्पिन से फिर टोटल करके जनरलाइज करते हुए चलते हैं, और ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद में देखो हम लोग पढ़ते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम जे वेक्टर जो है ना वो क्या है, सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। जे वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, यूज़ लेते हैं जब हमको जे एल एस इनके बीच में एंगल्स वगैरह निकालने होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन के आता है, तो इट इज़ यूज टू फाइंड एंगल बिटवीन जे वेक्टर एल वेक्टर एंड एस वेक्टर, ठीक है। सबसे पहले जैसे हम लोग बात करते हैं कि अगर हमको एंगल निकालना है जे और एल के बीच में, ठीक है, एंगल बिटवीन जे वेक्टर एंड एल वेक्टर, तो क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ से आप लोग देखो, अगर हमको जे और एल का निकालना है ना, तो अगर मैं एल को इधर डाल लूँ
तो जे वेक्टर माइनस एल वेक्टर एस वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो एस वेक्टर डॉट एस वेक्टर, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, जे माइनस एल डॉट जे माइनस एल लिख दूँ, ये कितना हो जाएगा, जे वेक्टर माइनस एल वेक्टर डॉट जे वेक्टर माइनस एल वेक्टर, ठीक है। तो इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, एल वेक्टर का स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका तो सीधा आप लोग एल स्क्वायर ही लिख दो, प्लस जे स्क्वायर माइनस टू एल वेक्टर डॉट जे वेक्टर, इसका मतलब माइनस एल वेक्टर डॉट जे वेक्टर, ये चीज़ ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, एस स्क्वायर इसको उधर भेजें माइनस एल स्क्वायर, इसको भी उधर भेजें माइनस जे स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय टू, ओके। इसका मतलब क्या होगा कि इसको हम लोग वापस क्या लिख सकते हैं, माइनस एल जे कोस थीटा बराबर दिस, आप लोग खुद लिख देना वापस। यहाँ से अगर हम लोग कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो कैलकुलेशन खुद ही कर लेना, कुछ नहीं है, जे स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जे एल निकल के आती है। अब हमको यहाँ पर जे स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, जे जे प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर, राइट, एल स्क्वायर को एल एल प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर, ये चीज़ हमको पता है ना क्वांटम मैकेनिकली। तो यहाँ से हम लोग सिर्फ वैल्यू पुट करते हैं और हमारे पास में कोस थीटा आ जाता है, थीटा यहाँ पर क्या है, एंगल है जे और एल वेक्टर के बीच का, ठीक है। तो कोस थीटा कितना निकला, जे जे प्लस वन एच क्रॉस का स्क्वायर प्लस एल एल प्लस वन एच क्रॉस का स्क्वायर माइनस एस एस प्लस वन एच क्रॉस का स्क्वायर, लास्ट में सबसे एच क्रॉस तो सारे जाते रहेंगे, ठीक है, टू अंडर रूट ऑफ जे जे प्लस वन एच क्रॉस और अंडर रूट ऑफ एल, ठीक है, एल प्लस वन एच क्रॉस, ये सारे एच क्रॉस स्क्वायर अगर मैं कॉमा ले लूँ तो ये एच क्रॉस स्क्वायर सब कट जाएंगे, तो इनको खुद ही काट देना, ठीक है। तो ये हो जाता है मेन हमारे पास में कॉस थीटा का फॉर्मूला, राइट, जे और एल के लिए। ऐसे आप लोग बाकी सबके बीच में भी एंगल्स निकाल सकते हो, ठीक है ना, सिर्फ आपको ये तो पता ही है, इसके बाद में डॉट प्रोडक्ट लेके चीज़ों को सॉल्व करना है। अब देखो हम लोग बात करते हैं कि जो इनर क्वांटम नंबर जे होता है ना, वो कॉम्बिनेशन होता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एल और स्पिन क्वांटम नंबर एस का, ठीक है। अगर हम लोग एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं, देखो फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम लोग लिखते हैं ना, तो स्पिन एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, एल की वैल्यू क्या हो, वन, ठीक है। तो ऐसे केस के लिए हम लोग जे क्या होगा उसकी बात करते हैं, ओके। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जे इक्वल टू एल प्लस एन होता है वेक्टर फॉर्म के अंदर, एल प्लस एस, ठीक है। तो जो पॉसिबल वैल्यूज होती है ना जे की, आर जे इक्वल टू एल माइनस एस के मोड से लेकर एल प्लस एस तक, ठीक है। तो यहाँ पर आप वन माइनस हाफ करोगे तो क्या आएगा, हाफ, और वन प्लस हाफ करोगे तो क्या बनेगा, थ्री बाय टू। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि एस की वैल्यू जो है ना वो थ्री बाय टू है, ठीक है, एल की वैल्यू जीरो एंड एल इक्वल्स टू वन। आपको अगर कॉम्बिनेशन बनाना है ना, तो एल इक्वल्स टू जीरो और एस इक्वल्स टू हाफ एक केस, एल इक्वल्स टू वन और एस इक्वल्स टू थ्री बाय टू दूसरा केस। इस केस के लिए जे की वैल्यू सिंगल आएगी क्योंकि हाफ माइनस जीरो हाफ प्लस हाफ तो हाफ ही होगा, ठीक है। इसके लिए जब एस की वैल्यू थ्री बाय टू है तो थ्री बाय टू माइनस वन और थ्री बाय टू प्लस वन, ठीक है। और यहाँ पर वेरी कैसे करता है, वन यूनिट के डिफरेंस पे वेरी करता है ना, तो आप थ्री बाय टू माइनस हाफ लिखोगे तो हम थ्री बाय टू माइनस वन करोगे तो हमारे पास में हाफ आएगा, ठीक है, और थ्री बाय टू प्लस वन करोगे तो हमारे पास में फाइव बाय टू आएगा, राइट। तो वन यूनिट में वेरीट करेंगे तो वन बाय टू और फाइव बाय टू के बीच में थ्री बाय टू भी तो आता है, तो जे की वैल्यू हाफ थ्री बाय टू और फाइव बाय टू ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जे क्या होता है, टोटल क्वांटम नंबर, या फिर हम बोल सकते हैं कि इनर क्वांटम नंबर, ठीक है, इस तरीके से जे की वैल्यू दी जाती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको भी इसी के साथ में कवर कर लेते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स को लिखते कैसे हैं, ठीक है, क्योंकि क्या है ना, ये 2 मिनट का है ये तो बताने का, इसके बाद हम लोग थोड़े न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। इस वजह से पहले इस टॉपिक को ख़त्म ही कर लेते हैं, ये जो टर्म्स नोटेशन है उसको। तो देखो आप, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स, ओके, तो इसको हम लोग देते कैसे, इसको लिखने का तरीका होता है टू एस प्लस वन एल जे। अगर हम लोग और जनरलाइज्ड वे में, स्मॉल एन टू एस प्लस वन एल जे पी,
ठीक है। पी क्या है यहाँ पर? पैरिटी है। एन क्या है यहाँ पर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। और बाकी चीज़ें क्या है? तो देखो, 2s+1 जो है वो है यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल टर्म, ओके। एस यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर है। जे यहाँ पर एंगुलर क्वांटम नंबर है। पी यहाँ पर पैरिटी है। एल क्या है यहाँ पर? सबशेल है कॉरेस्पॉन्डिंग टू ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग ये स्मॉल एल और कैपिटल एल के अंदर क्या होता है कि जब हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं ना, तो हम लोग स्मॉल यूज़ में लेते हैं, और जब हम लोग मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लिखते हैं तो हम लोग यहाँ पर कैपिटल यूज़ में लेते हैं, ठीक है। जैसे स्मॉल एल की वैल्यू 0 है, तो कैपिटल एल की वैल्यू कितनी होगी? एस निकल के आएगी ना इस तरीके से, एल इक्वल टू 1 के लिए पी और फिर डी और वो सारी चीज़ें। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए जब हम लिखेंगे तो इसको स्मॉल लिखेंगे, और अगर हम लोग मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लिखते हैं तो हम लोग इसको कैपिटल लिखेंगे, ओके। तो ये चीज़ आई थी वो आपको क्लियर हो गई होगी। तो आज हमने क्या किया है कि स्पिन ऑर्बिटल वाला जो कल पढ़ा, तो उससे रिलेटेड हमने स्पिन वाला किया, और उसके बाद में टोटल का लिखा है, ठीक है। क्वांटाइजेशन वगैरह देखे इनके, और सब चीज़ें सिमिलर है, आप एक को देखे उसके एनालॉगी से बाकी सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको ये स्पेक्ट्रल ये चीज़ आनी चाहिए बेसिक, एकदम हर क्वेश्चन में यूज़ में आती है, और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स के लिए इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, ओके। तो पढ़ते रहिए, बाय।